हेलो गाइस, वेलकम टू मोटो मंत्रा मंत्रा फॉर योर मोटो। और आज के इस वीडियो में हम उस कंपनी की बाइक के बारे में बात करने वाले हैं जिस कंपनी का नाम है इंडियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब नाम से तो इंडिया की है, लेकिन ये कंपनी बिल्कुल भी इंडिया की नहीं है। ये कंपनी है अमेरिका की, जो कि प्रसिद्ध है अपने टूरिंग बाइक्स बनाने के लिए। और आज के इस वीडियो में हम इसी की बाइक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है इंडियन चैलेंजर। तो आइए आज के इस वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इंडियन चैलेंजर अब तक की अपने आप में सबसे यूनिक फीचर वाली कार होने वाली है, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ किया गया है। और इसके बावजूद ये अपने आप में सबसे शानदार गाड़ी होने वाली है। यदि हम इंडियन चैलेंजर मोटरसाइकिल की बात करें तो ये अपने डोमेस्टिक मार्केट में लॉन्च भी हो चुकी है और वहाँ पर ये बिकना भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में आने में इसको बहुत टाइम लगेगा। यानी अक्टूबर 2020 तक इसको इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल जाएगी। ये बाइक 3 वेरियंट्स के अंदर देखने को मिलती है, स्टैंडर्ड, डार्क हॉर्स और लिमिटेड वर्जन। डार्क हॉर्स उन लोगों के लिए जिनको ब्लैक कलर काफी पसंद है, तो उनको ये गाड़ी काफी पसंद आने वाली है। यदि हम इसके लुक की तरफ देखेंगे तो आपको काफी हद तक हार्ले डेविडसन की रोड ग्लाइड की तरह दिखने वाली है, लेकिन फीचर्स के मामले में काफी अलग है, बहुत ज्यादा आगे है। यदि हम इसके फ्रंट लुक की तरफ देखते हैं तो आपको काफी स्पोर्टी और स्टाइलिश फील देगी। साथ ही में इसके अंदर जो हेडलाइट यूज ली गई है वो LED हेडलाइट यूज की गई है। यदि हम इसके व्हील्स की तरफ देखते हैं तो कास्ट एल्यूमिनियम से बने हुए हैं, जो कि इस गाड़ी को काफी डिसेंट लुक देते हैं। और साथ ही में आपको बड़े फ्लोर बोर्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे, जहां पर अपने पैर रखकर लंबे लंबे टूर कर सकते हैं। यदि हम इसके बैक लुक की तरफ देखते हैं तो साइड में आपको एक बैग देखने को मिल जाता है, जो कि 68 लीटर कैपेसिटी के साथ में आता है। यदि हम जहां पर इसके ऑडोमीटर स्पीडोमीटर जो नॉर्मल बाइक के अंदर होते हैं, वहां पर आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। यहां पर आपको डिजिटल इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगी, टच स्क्रीन मिलेगी, जहां पर क्वाड कोर प्रोसेसर उसके अंदर देखने को मिल जाता है, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट राइड कमांड सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर 4 तरीके के राइड कमांड देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि बाइक स्टेटस, मोबाइल कनेक्टिविटी, मैप और म्यूजिक। इसके अंदर आपको 16 इंच की पावर एडजस्टेबल विंड प्रोटेक्शन स्क्रीन मिल जाती है, जिसके हिसाब से आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो कि आपको लॉन्ग राइड में बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। इसके अंदर आपको 3 डिफरेंट राइडिंग मोड देखने को मिल जाते हैं, रेन, स्टैंडर्ड, स्पोर्ट्स। यदि आप हाईवे पर हैं तो आपका जब स्पोर्ट्स मोड होगा तो वो आपको काफी पावरफुल व्हीकल होने का एहसास दिलाएगी। साथ ही में यदि इसका आप मोड को देखेंगे तो इस मोड के अंदर आपको थ्रोटल रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। यानी स्पोर्ट्स मोड के अंदर आपको ये गाड़ी काफी पावरफुल चलाने को, यानी पावरफुल फील होने वाली है। लेकिन अगर आप सिटी के अंदर हैं और ट्रैफिक के अंदर हैं तो उस केस के अंदर आप स्टैंडर्ड मोड में ले जा सकते हैं, जहां पर ये बहुत ज़्यादा सूटेबली चलने वाली है और ये मोड बड़े इजीली और कंट्रोलेबल होने वाले हैं। यदि आप इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका जो इंजन है वो 1768 CC के साथ में आता है और वी ट्विन शेप्ड इंजन के साथ में आता है, और जो कि आपको OD A3 का जो पेट्रोल इंजन है ना, वो भी 1396 CC का है, जबकि उसका डीजल इंजन 968 CC का है। तो उसके आसपास का बराबर सा ही आपका जो इंजन है वो इसमें देखने को मिल जाता है। यदि हम इसके पावर की बात करें कि इसका पावर कितनी जनरेट करता है इसका इंजन, तो 122 BHP का पावर ये जनरेट करता है, और जो टॉर्क है वो 178 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये बाइक। ऐसे में आप किसी बाइक की बात करें तो आपको 6 गियर बॉक्स के साथ में ये बाइक देखने को मिल जाती है, और इसके अंदर लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को भी मिल जाएगा। यदि हम इसके ब्रेक्स की बात करें तो इसके अंदर ब्रेम्बो ब्रेक्स का यूज किया गया है, जो कि आप जब भी रोकने की कोशिश करेंगे तो आपको काफी हद तक स्टेबिलिटी देगी। इतनी स्टेबिलिटी इस दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इसके अंदर ABS ब्रेकिंग ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। इसकी यदि हम कंफर्ट लेवल की बात करें तो काफी अच्छी है। और यदि हम इसके इंडियन प्राइस की बात करें कि इंडिया के प्राइस के हिसाब से कितनी है, तो आप इसकी प्राइस का अंदाजा लगाएं तो ये 32 से 35 लाख के आसपास निकल के आती है, जो कि इसको काफी ज्यादा निराश कर देती है ये प्राइस के अंदर। और यदि हम इसकी बाइक की बात करें तो इसके अंदर टैक की तो कोई कमी नहीं है। टैक होने के बावजूद, ये टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आपको इसके अंदर क्लच केबल वायर के साथ में देखने को मिलते हैं, ना कि हाइड्रोलिक क्लच देखने को मिलते हैं। तो यही सब था इंडियन चैलेंजर मोटरसाइकिल के बारे में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई एम सुखिल विद सुरेश। पीस आउट।